नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, ये आप एक गीजर देख रहे हैं जो कि क्रोमटन ब्रांड है और मॉडल जो है ये अमाइका ये मॉडल है और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2000 वाट का गीजर है और ये 15 लीटर इसकी कैपेसिटी बताई गई है। तो आज इसकी थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि ये ब्रांड कैसा है, इसका रिव्यू भी करेंगे और थोड़ा बताएंगे कि आप इसे किस टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं और इसके अंदर जो मेन पार्ट रहता है उसका क्या रोल रहता है। तो देखिए, पहले आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये ब्लू वाला जो आप इसमें प्लेट देख रहे हैं, ये हमारा इनलेट वाला पोर्शन हो जाता है। यहां से पानी इन जाएगा और ये हमारा आउट हो जाएगा। जो रेड रेड का मतलब ही हमें पता चलता है, डेंजर डेंजर मतलब कि साइन ये होता है कि हाँ भाई, ये खतरा मान लीजिए, रिस्की मान लीजिए, या फिर आप इसे हॉट पानी बोल सकते हैं कि यहां से जो है गर्म पानी इसमें से गर्म होके आएगा। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिंपल है। इसके अंदर एक रेड और एक ग्रीन इंडिकेशन रहता है जो कि क्रोमटन ब्रांड की मैं अगर बात करूं। और इस समय ये जो है पानी पूरा गर्म हो चुका है इसके अंदर और इसका जो ग्रीन इंडिकेशन जो होता है वो कट ऑफ हो गया। और जब पानी इसमें गर्म हो रहा है, ये इसमें लिखा हुआ देखिए, आप देख सकते हैं कि हीटिंग अभी इसमें हीटिंग हो रही है। इसका मतलब ये है, अगर ग्रीन लाइट भी अगर इसमें हाईलाइट हो रही है। बाकी यहां से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको टेम्परेचर रखना है। और वैसे इसे एक जगह फिक्स रख सकते हैं आप, इसे बार बार इसे जो है ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आप टेम्परेचर इसका सेट करके रख सकते हैं जैसे कि यहाँ किया गया है। और इस पर भी लिखा गया है, ये हमारा इन रहेगा, ये देख सकते हैं, और ये हमारा आउट रहेगा। और इसका जो मेन, अगर मैं इसकी मेन पार्ट की बात करूं, वैसे तो पूरा जो गीजर है सभी मेन पार्ट्स इसमें रहते हैं, लेकिन अगर आज मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये देखिए एक वाल लगा हुआ है, सेफ्टी वाल इसे कह सकते हैं। अब बहुत से हमारे जो बंदे हैं उनको इस बारे में नॉलेज नहीं रहती कि इसका क्या यूज रहता है और ये क्यों लगाया गया रहता है, जबकि यहां से तो हमें पानी का कनेक्शन डायरेक्ट किसमें जाना है और यहां से गर्म होकर पानी आ जाना, लेकिन यहां ये क्यों लगाया है? तो देखिए, ये लगाने का मकसद यही रहता है कि कई बार क्या होता है कि अगर बाय चांस हमारे गीजर के अंदर 1% कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से कि भाई ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक ऑफ नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा गीजर जो है अंदर से जो है ये ओवर हीटिंग होने लग जाती है। तो क्या ओवर हीट अगर होगा तो अंदर से कोई डैमेज ना हो जाए, और सेफ्टी वाल भी इसे आप कह सकते हैं कि अगर इसमें ओवरहीटिंग होती है तो क्या होता है कि ये वाल जो अंदर इसके एक स्प्रिंग लगा रहता है और एक रबड़ का वाल रहता है, ये वाल से पानी जो ओवरहीटिंग वाला इसमें आ जाता है और फिर फ्रेश पानी या आप बोले कि ठंडा पानी जो है हमारा फिर इसमें चला जाता है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। अब ये जस्ट लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जैसे हमारा प्रेशर कुकर रहता है, तो प्रेशर कुकर में भी यही रहता है कि उसके अंदर हीटिंग जाती है, ठीक है। अब प्रेशर कुकर में भी एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर बहुत ज्यादा उसमें हीट हो जाती है और उसमें स्टीम बन जाती है, तो उसकी जो जो सीटी रहती है, तो सीटी ऊपर हो जाने से उसकी जो स्टीम सारी बाहर निकल जाती है जिससे कि अंदर का फिर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाता है। अगर किसी वजह से मान लो उसकी सीटी नहीं आ रही है एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू पे, तो क्या होगा कि हमारा जो कुकर फटने के चांसेस रहते हैं। तो सेम इसमें भी वही चीज रहती है, सेफ्टी वाल जस्ट लाइक कुकर की तरह इसमें भी एक सेफ्टी वाल रहता है और इसके अंदर स्प्रिंग दब जाता है और ओवरहीटिंग का जो प्रेशर सारा वो इसमें से बाहर निकल जाता है और फिर फ्रेश पानी जब इसमें जाता है तो अंदर का टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो जाता है। तो आज की जो मेन वीडियो थी इसी पॉइंट पे थी कि ये जो सेफ्टी वाल है इसका क्या रोल रहता है। नहीं तो कई बार मैंने ये देखा है कि ये सेफ्टी वाल, कई जगह मैंने ये देखा है कि ये सेफ्टी वाल नहीं लगा रहता, ये डायरेक्टली पाइप इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि सेफ नहीं रहता, उसमें गीजर की भी सेफ्टी नहीं रहती और जानवर का भी नुकसान रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वैसी वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे जिसमें कि हम लोग टेक्निकल क्या काम रहते हैं किसी आइटम का, जैसे आइटम मान सकते हैं आप आरओ से हमारी रिलेटेड रहती है वीडियो वगैरह, गीजर पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है टैक्स से रिलेटेड रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए और प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर